हेलो एवरीवन, आप सबको आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। तो आज हम तैयार करने जा रही हूँ बनाना बर्फी, और इसे बनाना हलवा भी कहती है। बहुत ही आसान है ये, झटपट भी बन जाती है और कम से कम इंग्रेडिएंट्स लगती है इसे तैयार करना। खाने में तो बहुत ही लाजवाब है और बच्चे बड़े सभी इसे पसंद करती है। तो बेटे को हमने रोटी के साथ परोस दिया तो बेटी भी खा रही है मज़े से, और बहुत ही डिलीशियस बन के भी तैयार होती है। तो ये हलवा ज़रूर आप तैयार कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो इसे तैयार करना बहुत ही आसान है। तो बेटे खा रही है तो देखिए दिखने में कितना डिलीशियस लग रही है। तो चले रेसिपी शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर रेसिपी शुरू करने के लिए हमने केला ले लिया। तो 500 ग्राम केला है, ये पके हुए केला है, और केला को हम अच्छी तरह से सील कर ले लेंगे। तो इसी तरह हम सारे केला को सील लेंगे। बहुत ही आसानी से तैयार होती है। तो केला को सील कर छोटे छोटे टुकड़े में काट कर ले लेंगे, और ये आसानी से बहुत ही अच्छी तरह से पेस्ट बन के भी तैयार होंगे। तो हमने पेस्ट तैयार कर कर ले लिया और इसे कटोरी में निकाल भी ले लिया, और उसके साथ हमने ले लिया चीनी। तो आधा कटोरी चीनी ले लिया और आधा कटोरी घी भी हमने ले लिया। तो इन सबको एक साइड में हम रखेंगे। तो ये गाय की घी है, और इसके साथ हमने पीनट ले लिया, यानी मूंगफली, भुना हुआ मूंगफली है, और एक चुटकी फूड कलर है, और उसके साथ आधा चम्मच ये इलायची पाउडर है, हमने इन सब को ले लिया। तो इसे हम एक साइड में रखेंगे और गैस पर हम घी डाल देंगे। तो 3 चम्मच घी हमने डाल दिया, और घी गर्म हो जाने पर हम उसमें डाल देंगे ये बनाना की पेस्ट। तो बनाना का पेस्ट को डालने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से घी के साथ हमें मिला लेना है। तो हम मीडियम फ्लेम में ही इसे भून लेंगे। तो इसी तरह हमें हिलाते रहना है और घी के साथ मिलाते रहना है। बहुत ही अच्छी तरह से हम मिलाएंगे और भूनेंगे। तो जितना हम भूनेंगे उतनी ही ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे, और इसके जो रॉ फ्लेवर है बनाना की वो नहीं रहेंगे। और बीच बीच में हम इसी तरह घी डालते रहेंगे और भूनते भी रहेंगे। तो एक साथ हम घी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा कर कर डालेंगे और भूनेंगे। तो इसी तरह हम फिर से भून रही हूँ। तो बनाना की जो कच्चा फ्लेवर है वो जब तक ना रहे तब तक हम इसे इसी तरह घी डालते रहेंगे और भूनते रहेंगे। जब इसके बहुत ही अच्छी फ्लेवर आएंगे तब हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो इसी तरह हमने भून लिया। तो 10 मिनट के करीब हम बनाना को भून लिया घी के साथ। बहुत ही अच्छी फ्लेवर आ गई घी की, और उसमें चीनी भी हमने डाल दिया। तो चीनी आप कम ज़्यादा कर कर भी डाल सकती हो। ज़्यादा चीनी डालेंगे तो ये बिल्कुल कैंडी की तरह बनेंगे और बहुत ही स्टिकी भी होंगे। थोड़ा कम चीनी डाल देंगे बहुत ही सॉफ्ट हलवा की तरह बनेंगे। तो इसी तरह हमने मिला रही हूँ। तो चीनी अच्छी तरह से पिघल गई। अब हम उसमें डाल देंगे ये भुने हुए पीनट यानी मूंगफली और इलायची पाउडर, उसके साथ फूड कलर जो एक पिंच लिया था वो भी हम उसमें डाल दिया। तो इन सारे चीज़ों को एक साथ हम मिला लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिलाना है और भूनना भी है। तो इसी तरह हमने मिला लिया, कलर भी अच्छी तरह से घुल मिल गई बनाना के साथ, और देखिए कितना प्यारा सा कलर भी आ गई। और फिर से हम घी डाल रही हूँ। तो आप चाहे तो फूड कलर डालें या ना डालें, इसकी स्वाद बहुत ही अच्छी आएंगे। तो इसी तरह हम घी के साथ फिर से भून रही हूँ। तो भूनते भूनते ये जब बहुत ही गाढ़ा होंगे तब हम आप समझेंगे ये बन के तैयार हो गई। तो अभी तक ये तैयार नहीं हुए, 50% तक ही ये पके हुए हैं, अभी तक गाढ़ा भी नहीं हुए। तो इसे हमें फिर से भूनना है। तो और भी 7-8 मिनट के करीब मीडियम फ्लेम में हमें भून लेना है। तो इसी तरह हम हिलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे। तो अब चम्मच नहीं चलाएंगे तो नीचे जल जाएंगे, तो आपको सावधानी से इसे चलाना है। बहुत ही अच्छी तरह से बीच बीच में इसी तरह हिलाते रहना है और गैस की फ्लेम लो मीडियम करते रहना है। फ्लेम लो मीडियम में ही आप इसे पका लीजिए, नहीं तो नीचे लग जाएंगे। तो इसी तरह हिलाते हिलाते भूनते भूनते ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गई, और बहुत ही यमी और टेस्टी बन के तैयार होती है। तो देखिए ये इकट्ठा हो रहा है, ये बन के तैयार भी हो रही है। तो और भी हमें 4 से 5 मिनट के करीब इसे भून लेना है।
तो आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डालिए। चीनी डालने से ही ये बहुत ही स्टिकी और गाढ़ा होंगे, ज़्यादा चीनी डालेंगे। अगर आप कैंडी की तरह तैयार करेंगे तो ज़्यादा चीनी आपको डालना होगा, और बर्फी या हलवा की तरह तैयार करेंगे तो मीडियम चीनी आप डालिए। तो इसी तरह हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब तक पूरी तरह से ठंडा हो जाएंगे तब हम इसे काट लेंगे। तो ये पूरी तरह से ठंडा हो गई और इसे काट भी रही हूँ, तो बहुत ही आसानी से ये कट रही है। तो हम इसे काट कर आपको प्लेट में निकल कर भी हम दिखा देंगे। तो इसी तरह हम चौकोर टुकड़ों में काट कर ले लिया बर्फी के शेप में। तो ये आसानी से उठ भी जाती है। तो देखिए इस तरह से बन के तैयार हुए हलवा बर्फी बनाना के, पके हुए केले की इस तरह से हलवा बर्फी बनाइए, रोटी ब्रेड के साथ इंजॉय कीजिए। बहुत ही यमी और डिलीशियस लगती है, दिखने में जितने लाजवाब है खाने में उससे कई ज़्यादा लाजवाब है। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए वीडियो कैसी लगी। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए, जब हम नया वीडियो डालें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।